तो है गाइज, आज हम बताने वाले हैं कि ये रील्स कैसे एडिट करना है। अंत में आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आप सबसे पहले यहाँ से लाइटमेशन ऐप को ओपन करके प्लस के साइन पे क्लिक कर लेना है और 19:16 को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से हम प्लस के साइन पे क्लिक करके यहाँ से वीडियो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप सभी वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो का मिनिमम साइज 10 सेकेंड रखना है और दोनों बगल से वीडियो को हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद मूव एंड ट्रांसफर पे क्लिक करके वीडियो को हम जूम कर लेते हैं। और वीडियो को जो है आप सब बिल्कुल बीच में रखिए। वीडियो को हम बीच में रख लेते हैं और यहाँ से बैक करके इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, एड इफेक्ट कर लेना है और यहाँ से कलर एज लाइट में चले जाना है। इसमें जाके यहाँ पे हमको सेलेक्ट कर लेना है सेचुरेशन और वाइब्रेंस, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है। और यहाँ से सेचुरेशन को जो है सेचुरेशन को 7 के आसपास रखना है और वाइब्रेंस को 1 पॉइंट कुछ के आसपास रख लेना है। यहाँ से बैक आके इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके डिफेक्ट करना है और फिर से कलर एज लाइट में चले जाना है। यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे एक्सपोजर गामा, स्टैंडर्ड सेटिंग करके यहाँ पे हम एक्सपोजर को कर लेंगे यहाँ 50 के आसपास कर लेना है। गामा को 750 के आसपास कर लेना है। यहाँ पे हमको सर्च करना है टाइल्स, यहाँ से हम टाइल्स लिख लेते हैं। टाइल्स पे क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है और टाइल्स पे क्लिक करके मिरर को ऑन कर देना है। बैक आके इफेक्ट पे क्लिक कर एड इफेक्ट करना है। प्रोसीड्यूरल के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सिंपल स्टार फील्ड के ऊपर क्लिक कर लेना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से सिंपल स्टार फील्ड के ऊपर क्लिक करके यहाँ चले आएंगे। सबसे पहले साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपका जितना मन हो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पोजीशन के ऊपर क्लिक करके प्लस के साइन को ऑन करके वीडियो के ऊपर लगा लेना है। कलर एज लाइट में क्लिक करके यहाँ चले आएंगे नीचे, यहाँ पे स्पॉट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करके स्पॉट कलर पे क्लिक करना है और थ्रेशहोल्ड को कर लेना है 200% और फीडर को कर लेना है 50%। चौक के ऊपर क्लिक करके चौक को कर लेना है 1.60। इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से डिफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ सर्च करना है शार्पन। शार्पन पे क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है और शार्पन को ऐसे ही छोड़ देना है। मूव एंड ट्रांसफर पे क्लिक करके स्विंग को सिलेक्ट कर लेना है और स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है। स्विंग पे क्लिक करना है और एंगल 1 को 5 के आसपास रखना है, एंगल 2 को भी 5 के आसपास रखना है। फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्लिक करके फ्रीक्वेंसी को रख लेना है 60 के आसपास। एक बार वीडियो को चला के देख लेते हैं। यहाँ से हम वीडियो को कर लेते हैं एक्सपर्ट। फ्लिपकार्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, लेकिन इसको ओपन करने के लिए सुपर वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। तो प्लस के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ से हम वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद एड पे क्लिक करना है और यहाँ फिर एड पे क्लिक करके वीडियो एड कर लेना है। इसके बाद यहाँ हम एडजस्ट पे क्लिक करके कंट्रेस्ट को कर लेना है फुल, पूरा कर देना है 50। और यहाँ पे शार्पन को हम कर लेंगे 25 के आसपास, 36 जो हो आप सब कर ले। और यहाँ से हम कर लेंगे इसको बैक। हम यहाँ से इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना है
और नीचे की तरफ चले जाना है, नीचे की तरफ आप सबको भी चले आना है। और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे हेलो ब्लर, हेलो ब्लर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट के ऊपर क्लिक करके इंटेंसिटी को आपको कर लेना है पूरा 100। 100 करने के बाद अब हम वीडियो को चला के देख लेते हैं। ये कैपकट वाले ऑप्शन को हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हम एड ऑडियो पे क्लिक करके हमें साउंड पे क्लिक करना है। साउंड पे क्लिक करके हम यहाँ पे किसी भी वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे, वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, प्लस के साइन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपका ऑडियो ऐड हो जाएगा। यहाँ से क्वालिटी अपना वीडियो का बढ़ा लेना है और यहाँ से वीडियो के ऊपर टैप करके वीडियो को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे।